हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी जैसे स्टूडेंट की ना क्वेरीज आ रही थी बीआरपी को के लेके कि बीआरपी हमें कैसे कलेक्ट करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या प्रोसीजर है, क्योंकि ना अभी जो मेल आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने ना उसमें टेंडेंसी एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल और साथ में बैंक स्टेटमेंट मांगे, तो काफ़ी बच्चों के पास वो है नहीं, तो उस वजह से वो कह रहे हैं कि हम अपनी बीआरपी कैसे कलेक्ट करें। तो उसका ना सबसे सिंपली इजी वे मैं तुम्हें बताऊँगा आज कि तुम बीआरपी कैसे कलेक्ट कर सकते हो बिना ये कुछ दिए। और अभी जैसे मास्टर की डीएमए में चल रही है 23 डेडलाइन और बैचलर की चल रही है मे बी 28। बैचलर के लिए कंफर्म नहीं हो तो आप अपने एजेंट से किसी से भी कंफर्म कर लेना। मास्टर के लिए मेरे को पता है कि 23 चल रही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने कैंपस में जाना है डीएमए में गेटवे हाउस में और उनको बोलना है कि हमारे पास इनमें से कुछ नहीं है, तो हम अल्टरनेट ऑप्शन चूज़ करेंगे कि आप हमारे ना घर पर लेटर भेजो और घर पर लेटर जो आएगा हम उसको रिसीव करके आपको सबमिट कर देंगे। तो आप वहाँ पे अपना एड्रेस दे आना गेटवे हाउस में इंटरनेशनल, जहाँ पे फेस टू फेस वेरिफिकेशन चल रही है वहाँ पे एड्रेस दे आना। एड्रेस देने के बाद तुम्हारे एक वीक के अंदर तुम्हारे घर लेटर आ जाएगा। तो जैसे ही लेटर आएगा, लेटर लेके तुम्हें अपना जाना है फिलिपी टास्क बिल्डिंग में, वहाँ पे उसको सबमिट करने के बाद तुम्हारा जो एड्रेस रहेगा वो कन्फर्मेशन उनकी हो जाएगी। उसके बाद तुम बीआरपी वगैरह वहीं से कलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर कुछ और आपके इस रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए।